हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर डॉट अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी की 8th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 4, जो कि है अंडरस्टैंडिंग लॉस। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा अराउंड लॉ, कि लॉ जो है वो किस तरह से बनता है। उसके बाद जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा इस चैप्टर में वो है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो लॉज हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए और आज भी जो लॉज हैं वो किस हिसाब से बनाए जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले आता है लॉ की डेफिनेशन। देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट की गेम का। अगर कोई भी गेम है जैसे क्रिकेट, कोई भी गेम खेलने के लिए हमें उसके रिलेटेड कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। जब तक रूल्स नहीं होंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को अच्छे से प्ले नहीं कर पाओगे। उस रूल्स को अगर हम लीगल सैंक्टिटी दे दें, मतलब लीगली वो इन्फोर्सेबल हो जाएं, तो वो क्या हो जाता है? लॉ। द सिस्टम ऑफ रूल्स विच पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी रिकॉग्नाइज एज रेगुलेटिंग द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर एंड विच इट मे इन्फोर्स बाय इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज। पहला हम इसको आधा समझने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट तो क्लियर है कि वो रूल्स जिसके हिसाब से जो भी कंट्री या कम्युनिटी है उसके एक्शंस को रेगुलेट किया जाए। यहाँ पे भी देखिए, अगर हम क्रिकेट की गेम की बात कर रहे हैं तो सपोज़ कीजिए किसी बॉलर ने नो बॉल डाल दी, तो ये रूल है उस गेम का कि उस नो बॉल के अकॉर्डिंग उसको उस हिसाब से पेनल्टी मिलती है। ये एक तो वो बॉल को माना नहीं जाता, और अगर वो जो वाइट लाइन होती है अगर उससे पूरा पैर बाहर हो तो उसके हिसाब से उसे एक फ्री हिट भी मिलता है। तो ये क्या है, जो एक फ्री हिट है या उस बॉल को काउंट नहीं करना, ये एक तरह से क्या है? पेनल्टीज। मतलब एक क्रिकेट गेम जिसके कुछ रूल्स थे, अगर वो रूल्स अबाइड नहीं किए जाते तो जो भी बॉलर या जो भी प्लेयर है जो वो रूल्स अबाइड नहीं कर रहा उसे क्या करना पड़ता है? पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो सेम एज इट इज़ लॉ के केस में होता है। इसमें भी क्या है, ये भी रूल्स हैं मगर इसको लीगल सैंक्टिटी मिलती है, ये लीगली इन्फोर्सेबल हो जाते हैं। तो जो ये लॉ है जिसके हिसाब से हमारे एक्शन रेगुलेट किए जा रहे हैं, अगर इस लॉ के अगेंस्ट कोई जाता है तो उसको क्या होता है, उसे पेनल्टी भरनी पड़ती है, एनफोर्स बाय इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज। तो होपफुली इससे ये डेफिनेशन प्रॉपरली क्लियर हो जाती है। उसके बाद एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज लॉ कैनॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन। ये तो बात हो गई कि लॉ होता क्या है। उसके बाद आते हैं हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन इथोज है वो पूरी तरह दिखाए जा सकते हैं। तो उनमें ये दिखाया गया है, उनमें ये पूरी तरह से क्लियर होता है कि जो लॉज है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन या जेंडर। बट अगर हम पुराने टाइम की बात करें, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो तब बना जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद, तो उससे पहले की या उससे भी पहले की हम एंशियंट टाइम्स की बात करें तो तब ऐसा नहीं था। तब जो रूल्स थे वो वेरी करते थे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो किंग है उसके लिए रूल अलग था, जो प्रजा थे उनके लिए रूल अलग था, मगर आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर किसी के लिए सेम रूल अप्लाई होता है। अब कई लोग ये मानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो रूल ऑफ लॉ है वो इंट्रोड्यूस किया था, बट बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट बोलते हैं। उसके भी कारण हैं। कारण क्या है कि कॉलोनियल, हम सबको पता है जो कॉलोनियल रूल्स थे वो बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरी थे, और इस वजह से वो, जैसे हमने बात करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में क्या है, एक तरह से जो हमारा मेन इथो है वो है इक्वालिटी। तो जो कॉलोनियल रूल ऑफ लॉ था उसमें इक्वालिटी का कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, जैसे कि हम ले लें सेडिशन एक्ट। उसके बाद ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से लोग आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलोनियल जो रूलर्स थे उन्होंने ही रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि ऑल्दो पहले भी
अगर हम लॉ की बात करें या रूल्स की बात करें, वो पहले भी एग्जिस्ट करते थे. कैसे एग्जिस्ट करते थे? जैसे किंग था, हम सब ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, अकबर था या और भी जितने भी किंग्स थे, तो उन्होंने खेती के रिलेटेड जो भी टैक्सेस थे उन सब के रूल्स थे. तो एक तरह से रूल देखा जाए या लॉ देखा जाए तो वो तब भी एग्जिस्ट करते थे. पर वही वही चीज़ आ जाती है कि वो भी आर्बिट्रेरी थे, मतलब हर किसी के लिए इक्वल नहीं थे. जैसे कईयों को पिलग्रिमेज टैक्स देना पड़ता था जस्ट बिकॉज वो हिंदू है या वो मोमडन है, तो उस हिसाब से सब चीज़ें चेंज हो जाती थी. तो वही कलोनियल रूल में भी था. इसमें भी क्या था, जो रूल्स थे वो चेंज होते थे. जो वाइट थे उनके लिए अलग रूल्स थे, जो इंडियंस थे उनके लिए अलग रूल थे. उस ये एक पहला रीज़न है जिसकी वजह से आर्ग्यू किया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद आती है इंडियन, जो सेकंड रीज़न है कि इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिश इंडिया में जो भी रूल्स थे उनको डेवलप करने के लिए. वो कैसे? अब जैसे हम सबको पता है कि पहले जो इंडियंस थे उन्हें कोई भी एक तरह से लेजिस्लेशन का पार्ट नहीं थे. बट बाद में ये नेशनलिस्ट मूवमेंट थी या जो हमारे नेशनलिस्ट हीरोज थे उनकी बदौलत ही बाद में ऐसा हुआ था कि जो इंडियंस थे वो लेजिस्लेटर का, एग्जीक्यूटिव का हर जगह पार्ट बने. तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ किया था इंट्रोड्यूस इंडिया में. अगर हम लॉ की बात करें वो तो पहले भी था, पर वही बात है कि वो भी आर्बिट्रेरी था. अगर इक्वेलिटी या ऑन बेसिस ऑफ रीज़न या रैशनैलिटी के बेसिस पे हम लॉ की बात करें तो वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली इम्प्लीमेंट हुआ था. वही बात यहाँ आती है, आफ्टर इंडिपेंडेंस न्यू लॉज वर मेड दैट मैच्ड आइडल्स ऑफ न्यू इंडिया. आइडल्स क्या थे? एक मेन आइडल क्या था? इक्वेलिटी. यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि हिस्ट्री में क्या था. अब बात आती है प्रेजेंट स्टेट कि आज लॉज कैसे बनते हैं. देखिए, दो तरह से लॉ बनते हैं, एक टॉप डाउन अप्रोच और एक है डाउन अप अप्रोच. ये मैंने कैसे बोला है? टॉप डाउन, जैसे सपोज कीजिए हमारे जो जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो कोई भी लॉ बनाते हैं, अपने आप से वो इनिशिएटिव लेके लॉ बना रहे हैं, तो वो हम कह देंगे टॉप डाउन. एक ही जो हमारी हायरार्की में टॉप पे है उन्होंने लॉज बनाए जो कि हम सब में डिस्ट्रीब्यूट किए गए. और एक होता है डाउन अप. डाउन अप कैसे? जैसे लोगों ने प्रोटेस्ट किया या उन्हें कुछ लगा कि ये चेंज हमें चाहिए मगर ये चेंज गवर्नमेंट अभी प्रोवाइड अपने एंड से नहीं कर रही है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके प्रोटेस्ट के एवज में या उनके प्रोटेस्ट के बदले में जो MPs या मेंबर्स है पार्लियामेंट के उन्होंने इनिशिएटिव लेके फिर लॉ बनाया, तो वो हम कह देंगे डाउन टू अप अप्रोच. तो ये दो तरह से लॉज बनते हैं. पर दोनों तरीके में, एक ये जो है ये हम लोगों ने डिमांड बताई, दोनों तरीकों में डिमांड बताते हैं, पर एट द एंड बना कौन रहा है लॉ? पार्लियामेंट. डाउन अप में भी क्या हुआ, लोगों ने एक तरह से प्रोटेस्ट किया और जो मेंबर्स हैं उन्हें कंपेल किया कि वो लॉज बनाएं ताकि वो लोगों की सहूलियत के लिए यूज़ किए जाएं. तो एट द एंड लॉ कौन बना रहा है इस केस में भी? पार्लियामेंट. वही यहाँ लिखा है, पार्लियामेंट हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज, दस पार्लियामेंट हैज़ टू बी सेंसिटिव टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल. जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, ये डाउन अप अप्रोच में ही डोमेस्टिक वायलेंस आएगा. क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और उसके एवज में जो पार्लियामेंट थी वो कंपेल हुई थी और उन्होंने एट द डे एंड डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट लॉ बनाया था. उसके बाद, इन डेमोक्रेसी लाइक अस सिटीजन ऑल्सो प्लेस क्रूशल रोल इन मेकिंग ऑफ लॉ. जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का एग्जाम्पल दिया जिसमें क्या करते हैं, ये प्रोटेस्ट, दे कैन अपहेल्ड प्रोटेस्ट एंड इवन कैन गो टू कोर्ट. कोर्ट हैज़ अथॉरिटी टू डिसाइड एंड गिव डायरेक्शन अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ लॉ. अब देखिए, लॉ अभी तक तो बात हुई कि लॉ कैसे बनता है, लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट. उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट जो है, कोर्ट हैज़ अथॉरिटी टू डिसाइड एंड गिव डायरेक्शंस अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ लॉ. मगर इसका मतलब क्या है कि अगर कोर्ट को लगता है
कि जो लॉ पास किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो सही नहीं है, वो आर्बिट्रेरी है या हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो उस केस में कोर्ट जो है उसके पास इतना राइट है कि वो उस लॉ को वॉइड मतलब खारिज कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जो कोर्ट के हाथ में है, और कोर्ट जो काम करता है वो नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, गुज्जर प्रोटेस्ट जो हमने अभी रिसेंटली देखा, ट्रिपल तलाक बिल जो कि करंट न्यूज़ में था। उसके बाद एक एग्जांपल दिया जा रहा है रोजा पार्क, अमेरिकन अफ्रीकन वुमेन, जो हमने लास्ट वीडियोस में भी अपने डिस्कस किया है। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार हम लास्ट में समराइज़ कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले कि लॉ होता क्या है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस के अकॉर्डिंग जो लॉज है वो इक्वालिटी पे बेस्ड होने चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया, वो जो रूल ऑफ लॉ था वो आर्बिट्रेरी था, जो कॉलोनियल रूल था। और दूसरी बात, इंडियन नेशनलिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कुछ सुधार करने के लिए। उसके बाद बात आई थी एक कि जो पार्लियामेंट है वही लॉज बनाती है, मगर उनके सामने जो डिमांड रखी जाती है वो नॉर्मल सिटीजन्स के द्वारा भी रखी जाती है। सिटीजन्स जो है अगर उन्हें लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, और इवन वो कोर्ट में भी जा सकते हैं, और कोर्ट जिसके पास अथॉरिटी है अगर वो चाहे तो वो जो रूल बनाया गया है या लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसको वॉइड भी कर सकता है। तो इसके साथ हमारा ये डिस्कशन एंड होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।